एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैंने इतना तो डिस्कस कर लिया था कि हम जेनरेटिव एआई पढ़ क्यों रहे हैं और जेनरेटिव एआई होता क्या है और एआई और जेनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। जेनरेटिव एआई की हिस्ट्री भी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो टूल्स आ रहे हैं हमारे पास, चैट जीपीटी है, पार्ड है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब तो अभी आना स्टार्ट हुआ है ना, तो सबको ये लग रहा होगा कि अभी ही जनरेटिव एआई स्टार्ट हुआ है। पर ऐसा नहीं है, जनरेटिव एआई बहुत सालों से, मतलब इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए इसकी हिस्ट्री देखेंगे पहले। और जैसे मैंने बताया था कि जनरेटिव एआई अलग अलग टाइप्स के कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी है या ठीक है, चैट जीपीटी ये हमारा टेक्स्ट के लिए है। ठीक है, ये है टेक्स्ट के लिए। ऐसे हमारे पास इमेज के लिए भी हैं, ऑडियो के लिए भी, वीडियो के लिए भी, सबके लिए टूल्स हैं। ठीक है, इमेज के लिए हमारे पास हैं जैसे MidJourney है, DALL-E है, MidJourney, ठीक है, ऐसे DALL-E है, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी जनरेटिव एआई की 1932 से। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था, 1932 में एक मशीन बनी थी जिसका कि नेम दिया था इन्होंने मैकेनिकल ब्रेन, जो कि ट्रांसलेट कर सकता था लैंग्वेजेस के बीच में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनी जो कि ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, ऐसे फिर 1957 के अंदर क्या हुआ, इसके बाद आया हमारे पास 1957, इसके अंदर हुआ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स आए। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स का मतलब है, मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ अभी क्या होता है। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स आए हमारे पास। ठीक है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, तो इसमें डॉग क्या है, डॉग एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, और इज बार्किंग क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना और इसका मीनिंग समझना जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो, उसको कहते हैं हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये चीज़ आई थी हमारी 1957 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1966 में आया हमारे पास फर्स्ट चैटबॉट। ठीक है, फर्स्ट चैटबॉट आया जिसका नाम था एलिजा, और इसका काम क्या था कि जैसे साइकोथेरेपिस्ट से आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, कंसल्टेशन लेनी है, आप उनसे बात कर सकते हो साइकोथेरेपिस्ट के साथ। ठीक है, उस काम के लिए था चैटबॉट बना था जो 1966 में आया था। ठीक है, तो फर्स्ट चैटबॉट हमारा इतनी पहले बन चुका है। ठीक है, फिर आया हमारे पास 1968 के अंदर, 1968 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फर्स्ट मल्टी मॉडल एआई आया था। अब मल्टी मॉडल का क्या मतलब है, मैं ये लिख देती हूँ, फर्स्ट मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल का क्या मतलब है कि पहले क्या होता था कि मशीन को सिर्फ नंबर्स या टेक्स्ट समझ में आते थे। ठीक है,
बाद में क्या होने लगा, मतलब 1968 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मल्टीमॉडल एआई. मल्टीमॉडल एआई के थ्रू ये होने लगा कि कंप्यूटर्स अब दूसरे दूसरे फॉर्म में भी चीज़ों को समझ रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे स्पीच और इमेजेस भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए. ठीक है, तो इसका मतलब है मल्टीमॉडल एआई. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आया नाइनटीन एटी के अंदर हमारे पास एक गेम था रोग नाम का. ठीक है, ROGUE इस नाम का एक गेम था. उसके अंदर डायनेमिक लेवल्स इंट्रोड्यूस हो गए. इसका मतलब ये है कहने का, एक मिनट में बता रही हूँ. इसमें क्या आ गए, डायनामिक लेवल्स आ गए. मतलब ये है कि हर बार जब भी इंसान गेम को, इस वाले गेम को खेलेगा, हर बार उसके पास अलग अलग लेवल्स आएंगे. ठीक है, फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेवल आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, पर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आएंगे. जैसे फर्स्ट वाले में हो सकता है, फर्स्ट बार आपने जब खेला तो एक लेवल के अंदर फॉरेस्ट का व्यू था, दूसरी बार जब आपने खेला तो हो सकता है बीच का व्यू आ गया हो. ठीक है, ऐसे अलग अलग व्यूज आते जाएंगे, अलग अलग लेवल्स क्रिएट होते जाएंगे, जिससे कि यूज़र बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके. ठीक है, तो ये था 1980 के अंदर आया था डायनामिक लेवल्स. ठीक है, जिससे कि गेम एक्साइटिंग बन सके, उसके लिए यूज़ किए थे ना डायनामिक लेवल्स का. फिर आया था 1985 के अंदर बेशियन नेटवर्क्स. अब बेशियन नेटवर्क्स क्या होते हैं उसको बाद में डिटेल में समझेंगे. ठीक है, अभी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि बेशियन नेटवर्क्स होते क्या हैं. एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डिसाइड करना है कि अम्ब्रेला आपको लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए. ठीक है, अम्ब्रेला किस केस में आप लेके जाओगे, जब रेन हो रही होगी बाहर. ठीक है, तो आप किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वेदर के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो, है ना. तो वेदर कितने टाइप्स का हो सकता है, या तो सनी होगा या रेनी होगा या क्लाउडी होगा. ठीक है, अगर अगर रेनी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आप अम्ब्रेला लेके जाओगे. ठीक है, मतलब करना क्या है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, सनी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रेनी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्लाउडी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. अगर रेनी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तब आपको अम्ब्रेला कैरी करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करता है बेशियन नेटवर्क्स. मतलब ये प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कोई भी, उसके लिए ये वर्क करता है बेशियन नेटवर्क्स. ठीक है, इसके टेक्निकल डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे आगे जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे, बट अभी मैंने सिर्फ ये एज एन एग्जाम्पल बताया. ठीक है, फिर आता है हमारे पास 1986 के अंदर. 1986 के अंदर हमारे पास आया था RNN. RNN का मतलब होता है रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, तो RNN, CNN ये सब चीज़ें हम थोड़ा बाद में आगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, पर मैं वैसे आइडिया के लिए बता देती हूँ एग्जांपल से कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि एक आपके पास रोबोट है जो कि बहुत सारी स्टोरीज सुन सकता है. ठीक है, उसकी बहुत अच्छी मेमोरी है, वो याद भी रख सकता है हर एक स्टोरी को. और जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरी उसको सुनाई कि कोई भी ए नाम का बंदा है, उसने आइसक्रीम खाई. ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही आपने उसको बताया कि उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई. ठीक है, तो उसने पहले भी याद रख रखा था कि इस बंदे ने आइसक्रीम खाई थी, अब इसकी आइसक्रीम गिर गई नीचे. ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि RNNs क्या करते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा मेमोरी होती है कि ये पास्ट इवेंट्स को याद करके एक सीक्वेंस बनाते हैं और उससे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं.
ठीक है, कि अब नेक्स्ट क्या इवेंट हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करते हैं. तो ये चीज़ आई थी हमारी RNN 1986 के अंदर. ठीक है, इसके आगे की हिस्ट्री मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. तो थैंक यू सो मच.